हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड बेबीज नाउ बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बुक क्या स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बुक क्या स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बुक नाउ लेट्स स्टार्ट एवरी वन टेल मी मैंने आप लोगों को कल कर मीनिंग्स कराई थी क्या कराए थे बच्चों मैंने आप लोगों को कर कल मीनिंग्स कराई थी कहाँ तक कराए थे ए टू के कहाँ तक कराए थे बच्चों मीनिंग्स ए टू के तक तो बताइए बच्चों आप सभी ने रिवाइज किए थे बताइए बच्चों आप सभी ने घर पर रिवाइज किए थे वेरी गुड आप सभी ने घर पर रिवाइज किए थे टेलवी मिस्टी आपने रिवाइज किया था ओके okay, गुड हर्षित आपने किया था गुड अथर आपने किया था गुड ओके okay, तो सभी ने ए टू के मीनिंग्स घर पर पढ़े थे तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एल से कहा से स्टार्ट करेंगे एल से के तक तो हम सभी ने पढ़ लिया तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल से तो बच्चों पेज नंबर सिक्स निकाल लीजिए सभी कौन सा पेज नंबर निकालेंगे बच्चों पेज नंबर कौन सा पेज नंबर सिक्स तो बताइए बच्चों ये क्या है एल क्या है बच्चों एल एल्फा लायन एल्फा लायन क्या है बच्चों ये एल्फो लायन लायन मीन्स शेर लायन मीन्स क्या होता है बच्चों शेर शेर कहाँ रहता है जंगल में कहा रहता है बच्चों शेर जंगल में कहा रहता है बच्चों शेर जंगल में कहा रहता है जंगल में एल्फो लैम एल्फो लैम लैंप मीन्स लैंप क्या होती है बच्चों लैंप मीन्स लैंप लैंप में से क्या जलती है लाइट क्या जलती है लाइट क्या जलती है बच्चों लाइट एल फॉर लोटस एल फॉर लोटस एल फॉर क्या होता है बच्चों लोटस लोटस मीन्स कमल का फूल किसका फूल होता है लोटस मीन्स कमल का फूल किस कलर का होता है लोटस पिंक कलर का किस कलर का होता है बच्चों लोटस पिंक कलर का तो एल्फा लोटस एल्फा लायन एल्फा लैंप एल्फा लोटस नेक्स्ट देखिए बच्चों ये क्या है एम क्या है बच्चों ये एम M for mango. M for mango. Mango means आम um. Mango means क्या होता है बच्चों? आम um. आम um, किस कलर का होता है मेरे प्यारे बच्चों? येलो कलर किस कलर येलो कलर आम कैसा होता है मीठा मीठा कैसा होता है आम मीठा मीठा आम um, क्या होता है बच्चों? फ्रूट होता है क्या होता है फ्रूट एम फो मून एम फो मून मून मीन्स चांद मून मीन्स चांद अच्छा बच्चों मून बताइए कब निकलता है बताओ अथर मून कब निकलता है रात को सही बताया थर ने मून कब निकलता है रात को निकलता है कब निकलता है रात को निकलता है एम फॉ मंखी एम फॉ मंखी मंकी मीस बंदर मंकी means बंदर आप सभी ने बंदर देखे अच्छा आपकी छत पर भी आते हैं बंदर अरे मतलब आप लोगों ने मंकी देखा है गुड एम फो मैंगो एम फो मूल एम फॉर मंखी देखिए ये क्या है बच्चों एन क्या है बच्चों ये एन एंड फॉर एंड फॉर ने चिड़िया का घोसला क्या होता है चिड़िया का घोसला जो कहाँ पर होता है पेड़ पर किस पर होता है ट्री पर किस पर होता है चिड़िया का घोसला ट्री पर उस पर वो किसको रखती है अपने बेबीज को रखती है और वो खुद भी वहीं पर रहती है वो चिड़िया का घर होता है जैसे आप लोगों का घर जमीन पर होता है ना वैसे ही चिड़िया का घर पेड़ों पर होता है वो उसमें रहती है फॉर नोज एन फॉर नोज नोज मीन्स नाक नोज मीन्स नाक तो बताइए बच्चों आप लोगों की नोज कहाँ पर है गुड And and for net. And for net net, net Net means means एन फोट में हम लोग पता है बच्चों क्या करते हैं मछली पकड़ते हैं और कोई भी जानवर होता है वो हम जाल से पकड़ लेते हैं क्योंकि हम उसे अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते ना इसीलिए हम उसे जाल से पकड़ लेते हैं तो बच्चों एन फो Nest and for nose and for net. बच्चों, ये क्या है? ओ, क्या है बच्चों ये? ओ ओ फॉर आउल ओ फोर आउल आउल मीन्स उल्लू आउल मीन्स क्या होता है उल्लू क्या होता है उल्लू जो कि रात में जागता है कब जागता है हम लोग जब रात में सोते हैं तब उल्लू जागता है कब जागता है उल्लू रात को जब हम लोग सो जाते हैं ओफा ऑरेंज ओफा ऑरेंज ऑरेंज मींस संतरा ऑरेंज मींस संतरा ऑरेंज का क्या निकलता है बच्चों जूस निकलता है ना पिया है आप लोगों ने ऑरेंज जूस यस yes, मैंने भी पिया है आप लोगों ने पिया है वाह आप लोगों ने भी पिया है फॉर अनियन फॉर अनियन अनियन मीन्स प्याज अनियन मीन्स प्याज अनियन किस कलर की होती है बच्चों पिंक कलर की किस कलर की होती है पिंक कलर की और अनियन क्या होती है बच्चों गुड वेजिटेबल होती है अनियन क्या होती है बच्चों वेजिटेबल क्या होती है वेजिटेबल ओ फॉर आउल फॉर ऑरेंज ओ फॉर अनियन देखिए बच्चों ये क्या है पी पी पीफो पैरट फॉर पैरट पैरट मीन्स तोता पैरट मीन्स तोता आप लोगों ने देखा है पैरट तो बताइए किस कलर का होता है पैरट हां ग्रीन कलर का होता है किस कलर का ग्रीन कलर का पी फॉर पियर फॉर पियर पियर मींस नाशपाती पियर मींस पी फॉर पीस P for P for peas, peas, peas means मेरी मम्मा तो बनाती है मुझे बहुत पसंद है बहुत टेस्टी लगती है मुझे आप लोग भी खाते हैं अरे वाह आप लोग भी खाते P for पीफा पैरट for पिय P for peas. क्या है बच्चों Q क्या है Q. Q for queen. Q for queen. Queen means रानी Queen means क्या होती है रानी क्या होती है रानी Q for quail. Q for quail. Quail means बटेर Quail means क्या होता है बच्चों बटेर ये हमारी एक बर्ड होती है क्या होती है बच्चों बर्ड होती है क्यूफॉलूफॉ क्विल क्विल पंख क्विल पंख देखा है बच्चों आप लोगों ने पंख चिड़िया का मोर का भी पंख देखा होगा आपने देखे है ना सबके हाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं क्विल Q for queen Q for queen Q for quill बच्चों r क्या है r r for rose r for rose rose means गुलाब का फूल rose means गुलाब का फूल पता है बच्चों rose किस कलर का होता है रेड कलर किस कलर का रेड कलर आर फॉर रिंग आर फॉर रिंग रिंग मीन्स अंगूठी रिंग मीन्स क्या होती है बच्चों अंगूठी अच्छा आपकी मम्मा पहनती हैं अंगूठी कहाँ पे पहनती हैं हैंड में किस में पहनती है फिंगर में पहनती है या किसकी फिंगर में हैंड की या लेग्स की पैरों की फिंगर में पहनती है या हैंड की फिंगर में पहनती है हा हैंड की फिंगर में पहनती है गुड आर फॉर रैबिट आर फॉर रैबिट रैबिट मीन्स खरगोश रैबिट मीन्स खरगोश आर फॉर रोज आर फॉर रिंग आर फॉर रैबिट ये क्या है बच्चों एस क्या है एस एस फॉर

होता है सांप सांप काट जाता है ना इसलिए हमें सांप से दूर रहना चाहिए है ना फॉर सन एस फॉर सन सनमीस सूरज सनमीस सूरज तो बच्चों सन कब निकलता है दिन में कब निकलता है दिन में कब निकलता, निकलता है बच्चों दिन में S for sheep, S for snake, S for sun. तो बच्चों अब आप मैंने आपको L to S कंप्लीट करा दिए हैं मीनिंग्स तो बच्चों अब आप इनका एक बार revision करेंगे आपको नोटबुक पर नहीं लिखने हैं सिर्फ आपको इसको लर्न करना है ओके तो आप सभी इनका रिवीजन कीजिएगा अच्छे से आपके अब एस तक कंप्लीट हो चुके हैं ए टू एस तो आप अच्छे से ए टू एस रिवाइज कर लीजिएगा ओके एवरीवन नाउ हैव अ नाइस डे ऑफ यू